हेलो दोस्तों, आपके सामने बजाज पल्सर N150 2024 मॉडल। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स चेंजेस यहां पर हुए हैं। तो क्या क्या चेंजेस है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, और आपको एक गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हेडलाइट जो है इसकी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट से, जो डीआरएल से वो एलईडी डीआरएल से, विंकर्स वही पुराने वाले है। फ्रंट फोर की बात करें तो 31mm डाया का यहाँ पे टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है। फ्रंट डिस्क जो है 260mm की विद एबीएस ब्रेक के साथ फ्रंट डिस्क है। टायर की बात करें तो 90-90 क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे 17 इंच का टायर है। फ्रंट फेंडर पे एबीएस का बैचिंग मिलता है। उसके बाद टैंक की बात करें तो वही जो पुराना 2023 वाला मॉडल था वही टैंक है। मेन जो चेंज हुआ है यहाँ पे स्पीडोमीटर में चेंज हुआ है। एलसीडी स्क्रीन फुल्ली डिजिटल यहाँ पे स्क्रीन दिया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ गियर इंडिकेशन का भी यहाँ पर फीचर्स ऐड हुआ है। उसके साथ ही आप इसमें एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स ऐड किए, उसके लिए यहाँ पे स्विचेस में चेंज करके यहाँ पे बटन दिया है। उसके द्वारा आप कॉल उठा सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। इसमें आप बजाज जो ऐप है, बजाज कनेक्टिविटी ऐप, उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। सीट की बात करें तो यहाँ पे सिंगल सीट है, इसमें स्प्लिट सीट नहीं है। जो पुरानी व्हीकल्स में था वैसे ही यहाँ पे सिंगल सीट दिया है। इंजन की बात करें तो आपको पता ही है, इसमें 150cc का इंजन है जो कि 15 bhp की यहाँ पर पावर जनरेट करता है, 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे उसका एग्जॉस्ट देखिए, छोटा सा एग्जॉस्ट है जैसे पल्सर NS200 में आता है वैसे। रियर की बात करें तो इसमें देखिए जो ग्राफिक्स है, N150 का जो स्टिकर है, बैचिंग है वो चेंज है। ग्रैब हैंडल वही है पुराना वाला। और उसके बाद टायर की बात करें तो इसमें 120/80 17 इंच का टायर दिया है। रियर डिस्क जो है इसमें ऐड किए, ये पुरानी गाड़ी में डिस्क नहीं था, पीछे ड्रम था। इसमें 230mm का यहाँ पे डिस्क ऐड किया है। टेल लाइट की बात करें तो एलईडी टेल लाइट है। विंकर्स वही पुराने वाले विंकर्स है। इसमें टेल लाइट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, पीछे बस जो ग्राफिक्स है, कलर्स है थोड़े ऐड किए। इसमें दो कलर्स आते है, एक जो है व्हाइट में आता है और एक ब्लैक में आता है, पर्ल व्हाइट। और यहाँ पर देखिए साइड पैनल में कितना अच्छा है यहाँ पे डिजाइन साइड पैनल का लग रहा है। इसमें अगर गियर शिफ्टर की बात करें तो इसमें जो ट्रांसमिशन है 1-4 up का 5-speed ट्रांसमिशन है। ये दूर से इसका लुक है। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू।